So, coming back to the topic, you know, which is more important, talking about IBS Mumbai, which is Iqfai Business School. I mean, it has a lot a lot of campuses across India, right from Hyderabad to Mumbai to Pune to Gurgaon to Jaipur to Dehradun to Ahmedabad, and maybe if I forget some city, even Jaipur, uh, yeah, I mean, I think all in all, you'll find a number of campuses. But now, Mumbai wale ke mein baat wale shuru karte is coming episode ko. let's get started. <music>

तो आई मीन नॉट अ वेरी बिग कैंपस वेयर यू गेट आई मीन ऑल वैसे सारी चीज़ें मतलब जो बी स्कूल में रिक्वायर्ड होती है कारिकुलम वो सारी चीजें बट अगर आप एक्सपोजर वाइज देख रहे हो तो हो सकता है वहां पे उतना ज्यादा ना मिले बिकॉज दिस इज बिंग सेट बाई स्टूडेंट सो आई मीन इट्स नॉट एनी जो भी मैं बोल रही हूँ ये मेरे लफ्ज नहीं है मैं सिर्फ बोल रही हूँ लफ्ज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स ने दिए हैं तो दैट्स द कैंपस सिंस इट्स इंसेप्शन 1995 मैंने आई वी गुड़गांव बनाया मुंबई बनाया पुणे बनाया अभी तक हैदराबाद भी बनाया हर बच्चे किसी को भी नहीं पता है मुंबई कब स्टैब्लिश हुआ था एवरीबडी सेज दैट वी डोंट नो राइट तो 1995 में हैदराबाद या वी कॉल इट आई जो है जिसके अंडर ये आता है वो स्टैब्लिश हुआ था तब से मतलब सारी जगह यही लिखा है तो नो बडी नोज की तो वी के इट। के अगर हम बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है मुंबई में लोकेटेड है आई बी एस आर एन आर्ट और जी मार्ट के थ्रू एडमिशन लेता है ऑनलाइन एडमिशन है जेंडर ही मतलब बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई एंड पी जी पी एम ऑफर करता है तो उसके लिए कोई आई सी टी अप्रूवल भी नहीं चाहिए होता है दो साल का प्रोग्राम है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे हु आर कन्फ्यूज दैट I mean, पहले तो एक कंफ्यूजन थी कि एम करें या पीजेडीएम करें तो भी अब ऑलरेडी मेड अ वीडियो ए वर्सेस पीजेडीएम अब एक और कंफ्यूजन है कि अब तो पीजेडीएम में नहीं पीजी पी एम एच एज सर्टिफिकेट कोर्स ड्यूरेशन दो ही साल का है तो अगर आपके दिमाग में भी अभी भी यही कंफ्यूजन चल रही है डिसाइड इसकी वजह से नहीं कर पा रहे हो तो नीचे जो लिंक है उसको फिल करके यू कैन आस कर क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज कर मैनेजमेंट फोकस आई थिंक Uh, ये सभी कॉलेज uh, मतलब इनके जितने भी कैंपस है बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी तो उसको स्किप करते हैं पीजीपीएम ऑफर करता है पुणे में नहीं यार ये मुंबई वाला है मतलब हो गया गड़बड़ मैं सही बता रही हूँ uh, मैं जो स्टूडेंट से बात कर रही थी आई मीन आई हैव वन ऑफ माई इंटर्नस जिन यू नो हु डिड इंटर्नशिप ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम आई बी एस मुंबई कुछ अच्छी चीज़ें जो मुझे लगी मैं वो एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो बच्चों ने कहा है मैं वो भी शेयर करूँगी

राइट right, वैसा ये मेंशन कर रखा है ऐसे क्योंकि मैंने ये भी क्वेश्चन पूछा था क्योंकि पीजीपीएम कराते हैं तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आपका 50 ही होना चाहिए क्योंकि वो एआईसीटी जो गवर्नमेंट बॉडी है ये उसकी तरफ से रहता है बट दैट इज़ समथिंग बट एवरी कॉलेज मेंशन 50 परसेंट आई होना चाहिए देन आपके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं राइट right? अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं राइट इन योर ग्रेजुएशन तो टॉफिल एन आइल्स का स्कोर भी रिक्वायर्ड रहेगा तो सिलेक्शन में इट्स लाइक like, आपको अप्लाई करना है एग्जाम देना है आई बी हैदराबाद सारे स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है एंड जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनको कोई ना कोई कैंपस अलॉट हो जाता है राइट right? तो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू टू एड बट हो जाता है कई बच्चों को से पुणे मिला है या गुड़गांव मिला है उनको मुंबई चाहिए तो देखिए ईमेल वो भी चेंज हो जाता है राइट right? अगर हम फीस की बात करें तो नाइन लाख टेन थाउजेंड का फीस स्ट्रक्चर है uh, मैं इसको एक बार वेरीफाई कर लेती हूँ एज पर स्टूडेंट वॉट इज द फीस स्ट्रक्चर या इट्स नीर अबाउट नाइन लैक टेन थाउजेंड हो यू नो सो दैट इज़ बेसिकली द फीस स्ट्रक्चर और अगर हम प्लेसमेंट की बात करें प्लेसमेंट से पहले फैकल्टीज स्टूडेंट का ये कहना है कि ये थाउजेंड स्टूडेंट्स का जो बैच है वो सिक्सटी सिक्सटी स्टूडेंट्स के उसमें बनता है तो ऐसे सिक्सटी सेक्शन होते हैं दूसरा अगर हम बात करें फैकल्टीज मतलब कुछ बहुत अच्छी हैं मतलब मिक्स फैकल्टीज हैं तो दैट इज़ ऑल्सो यू नो गुड थिंग मैंने उसके बाद अगर हम बात करें तो हॉस्टल uh, खुद का नहीं है तो यू हैव टू फाइंड योर हॉस्टल ऑन योर ओन कोइंसिडेंटली मैंने जितने बच्चों से बात की वो मुंबई के थे तो आई मीन आई वाज आई एम नॉट इन द राइट कंडीशन टू टेल यू कि एग्जैक्टली exactly कितना कॉस्टिंग आएगा बट मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज जब मैंने मुंबई के दूसरे कॉलेजेस रिव्यू किए हैं तो फिफ्टीन के आसपास का मंथली एक्सपेंस उसके लिए भी बैठ जाएगा तो आप ये मान के चलिए ये तीन लाख का इन्वेस्टमेंट आपका हॉस्टल में हो जाएगा तो अगर हम देखें तो बारह लाख का इन्वेस्टमेंट है इफ़ द फीस स्ट्रक्चर इज नियर अबाउट प्लेसमेंट्स तो एज पर स्टूडेंट की मैं लाख का पैकेज और यहाँ पे भी लाख का पैकेज है कंपनीज काफी है पर अगर आप देखेंगे बैच स्ट्रेंथ वन थाउजेंड थर्टी टू स्टूडेंट का है अब यूजली मैं यहाँ पर इंजेनरिक चीज पे बात करने वाली हूँ वो इंजेनरिक चीज क्या है वो इंजेनरिक चीज ये है कैसा लगा रिश्ता आपको है? लाखों में एक है ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा एकदम सही कहा पंडित जी हमें रिश्ता मंजूर है अरे बेटा क्या देख प्यार गुप्ता जी सुसो तुम्हारे लो लपक लो <laughs> नहीं आपके साथ तो ये नहीं बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज गेट रियलिटी ऑफ इट स्टूडेंट खबरी हर कॉलेज की खबर तो वो इन जेनेरिक चीज ये है, I mean, I think सही टाइम पे सही एड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जिन भी कॉलेजेस की इंटेक ज्यादा होते हैं अब इसमें दो कैटेगरी के कॉलेजेस होते हैं कैटेगरी जो उतना ज्यादा लाइक like, ठीक है अपॉर्चुनिटी सबको देता है बट जहां पे इंटेक ज्यादा होता है यू नो एक पीजी भी हम करा रहा है दूसरा उसमें होता क्या कि आपका एक प्लेसमेंट लग गया राइट तो आपके पास कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऑप्शन दूसरी कंपनीज में बैठने के नहीं बचते हैं बिकॉज दे हैव यू नो अज इन टेक एंड दे हैव टू प्लेस मल्टीपल स्टूडेंट्स जो अच्छा स्टूडेंट है उस वो उसमें भी कंपीट कर लेता है बिकॉज इनटेक वाले कॉलेजेस में नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा आती हैं बट जहां पे थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है कि से शुरू में आप लोन लेके गए हो आप प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करोगे प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करोगे तो अगर हम बात करें तो आपका छह लाख का पैकेज लग गया पाँच लाख का पैकेज लग गया फिर आप हो सकता है आप और कंपनी में बैठना चाहो तो वहां पे आपके लिए वो ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं ये मैं इन जेनरिक बात कर रही हूँ वन इट कम्स टू द दॉलेजेस विद हाई इनटेक सेकेंडली एक अच्छी चीज़ हो मुझे इस कॉलेज की ये लगती है बिकॉज आई हैव हाई फ्यू इन राइट तो जो इनके यू नो मेंटोर होता है जो स्टूडेंट से कनेक्टेड रहता है दे कीप ऑन मैसेजिंग दी कंपनी वंस यू से दर मैं यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ तो कैसी परफॉर्मेंस है हमारे स्टूडेंट की मतलब वो टाइम टू टाइम फीडबैक्स लेते रहते हैं आपको पॉइंट्स आपको नो you शीट know, देते हैं जिसपे आप वो स्टूडेंट को पॉइंट्स दे रहे होते हो तो वो एक ऐसी चीज है बिकॉज मैंने वो पर्सनली एक्सपीरियंस की है अबाउट दिसिफिक कॉलेज तो वो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी पर कंसर्न क्या होता है कि बच्चा ये सोच रहा है मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो मैं वही फर्क कहूँगी एक बहुत पर्सनलाइज डिसीजन है राइट इन जनरल अगर आप देखोगे फीस ठीक है आर भी अच्छा है सारी चीज़ें बट इनटेक ज्यादा है राइट कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा शुड आई गो फॉर पी जी और नॉट राइट इट इज़ नॉट इवन ई आई सी अप्रूव्ड तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और लिस्ट में और कौन से कॉलेजेस हैं उसके बेसिस पे डिसाइड करना पड़ता है वैसे तो ये हर बार सीट भर लेते हैं बिकॉज आई की मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है आई मीन दे मार्केटाइज अलॉट एंड वो ब्रांड वैल्यू के चक्कर में हर साल ये हज़ार बच्चे भर जाते हैं दैट इज ऑल्सो वन थिंग पर अगेन इंडिविजुअल प्रायोरिटी इंडिविजुअल प्रिफ्रेंसिज इज़ समथिंग विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपका क्या ओपिनियन है आपका क्या परसेप्शन है कि मुझे कैसा कॉलेज चाहिए उसके अगेंस्ट वो कॉलेज कैसा है दैट इज समिंग वट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आई थिंक हाईएस्ट में अगर हम बात करें नेशनल इज फिफ्टीन लैक इंटरनेशनल इज फिफ्टी थ्री पॉइंट फोर फाइव लैक एंड आई थिंक दीज आर दी रिक्रूटर्स एंड ये सारे क्लब्स हैं अबाउट दिस एपिसनेट विदूडेंट्स फिल आर दॉम विच इज देर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos keep watching our channel and do not forget to like, share